विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार समारोह में अभी आप लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे इस राजपुर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय खजानदास जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, महानगर अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री एल धनई जी, निदेशक समाज कल्याण बी आर जयमाल जी, विकलांग जननायक हरमीन सिंह जी, निदेशक जनजाति श्री संजय टोलिया जी, हमारे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष भाई संजय डिगी जी, मठोर सिंह राठौर जी, इस मंडल के अध्यक्ष हमारे यहाँ के अम्बेडकर मंडल के श्री विजय थापा जी, विशाल गुप्ता जी, पूनम नोटियाल जी और विजेंद्र थपलियाल जी एवं सभी आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण इस कार्यक्रम में पधारे, सभी अतिथिगण जो आज हमारे इस दिव्यांग दिवस के अवसर पर हमारे सब दिव्यांग भाई बहनों का प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम जिसमें हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को आज हम सब के हाथों जहाँ उनका सम्मान करवाया, उनका प्रोत्साहन करवाया, जिनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सभी मेरे दिव्यांग भाई बहन, मैं बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल और समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से फिट रहें, हर प्रकार से आप स्वस्थ एवं मजबूत रहें, प्रसन्न रहें, कुशल रहें और देश एवं प्रदेश के लिए लगातार अपना योगदान देते रहें। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि आप सब लोगों ने जो राज्य दक्षता पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले सभी हमारे दक्ष कार्मिकों को, सेवायोजकों को, मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाई बहनों, हमारी सरकार सेवा और सहयोग के भाव के साथ हमारे दिव्यांग भाई बहनों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार दिव्यांगजनों के लिए लगातार काम हो रहा है, लगातार उनके बारे में चिंतन हो रहा है, लगातार उनके बारे में गंभीर रूप से कि वो कैसे मुख्य धारा में आए, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही लगातार काम किया है और बहुत सारे नए नए उपक्रमों को दिव्यांगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। राज्य सरकार भी दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और संकल्पबद्ध हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने ऐसी ऐसी मंजिलों को तय किया है, ऐसे ऐसे रास्तों को तय किया है जो कठिन ही नहीं, जिनको हम कह सकते हैं कि नामुमकिन थे, उनको भी उन्होंने मुमकिन करके दिखाया है। ये केवल और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपने संकल्प के बल पर, परिश्रम के बल पर और जो स्थिति हो, जो परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी
एक ही मंत्र काम आता है कि कैसे रास्ता निकाला जाए, क्योंकि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, ये एक प्रकार का जो भी हमारे सामने परिस्थिति पैदा हुई है, हमको यही सोचना है कि जो परिस्थिति हमको मिली है, जो भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, सृष्टि के द्वारा हमारे सामने उत्पन्न हुई है, उस स्थिति में हम कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। और भगवान का नाम लेकर ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से कि मैं कुछ नहीं हूं ईश्वर, जो कुछ तू ही है, हम तेरे ही अंश हैं, हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं, वो सब तुम्हारी हैं, ऐसा मानकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि दिव्यांगता बल्कि अभिशाप नहीं होगी, बल्कि एक हमारा यह जीवन भी सफल हो जाएगा और जो भी हम काम करना चाहते हैं वो हम काम कर पाएंगे। अपनी दिव्यांगता को भूलकर आगे बढ़ने का जो हौसला है वह आपको समाज में सबसे आगे खड़ा कर देगा, सबसे आगे ले जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अभी पुर्तगाल में पैराबेट में टीम में हमारे भाग लिया है, मेरे पास वहाँ जाने से पहले भी आप सब लोग मिले थे, क्रिकेट के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। अभी आप एक राजेंद्र सिंह का नाम दे रहे थे, वो शायद आए नहीं है आज, लेकिन बहुत अच्छा काम जगह जगह किया है, मनोज सरकार ने, ऐसे अनेकों लोगों ने, अनेकों उदाहरण यहाँ पर भी आप सब लोगों को जिनको हमने सम्मानित किया है, अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। आपको अपनी और सोच में और विचारों में हमेशा जो है एक ही चीज़ को रखना है कि हम सकारात्मक सोचें, हर समय सकारात्मक रहें, पॉजिटिविटी आने से अगर अच्छा सोचेंगे तो निश्चित मानिए कि जो हमारा विज्ञान भी कहता है, हमारा अनुसंधान भी कहता है, हमारी जितने भी देवी भागवत हैं, ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे विद्वानों के द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं ये ज्ञान लिखा है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो हमारा शरीर भी उसी दिशा में चला जाएगा, सारे जो हमारे हार्मोन हैं उनका सिक्रीशन भी जो है वो पॉजिटिव रूप में होना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों आपने सुना होगा, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हौसला और मन में उत्साह, अगर मन में उत्साह रहेगा, हौसला होगा, तो कोई मंजिल जो है दूर नहीं होगी, हमको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। मन में अगर उत्साह नहीं होगा तो ऊर्जा भी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छे से अच्छे शरीर में भी अगर उत्साह नहीं होता है तो ऊर्जा बेकार हो जाती है, और अगर उत्साह होता है तो ऊर्जा जो है दुगनी हो जाती है। इसलिए ऊर्जा को लाने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है, हौसला बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में निरंतर रूप से समानता का अधिकार दिलाने के लिए कार्य हो रहा है। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि आप अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं, जहां पूरा समाज आपके साथ है। मैं देख रहा हूं आज बहुत सारे लोग यहां पर आए हैं, बहुत सारी संस्थाएं आई हैं जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ, उन सब की बहुत सराहना करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और राज्य सरकार भी पूरी तरह से आपके साथ है, इसके लिए हमने इस वर्ष के बजट में 2022-23 में कुल 155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अभी पिछले दिनों हमने दिव्यांग भाई बहनों को 1500 रुपए की
मानसिक व्यसन का भी पहले प्रावधान किया था, पेंशन भी हमने बढ़ाने का काम किया है, दिव्यांग बच्चों के जो हमारे अभिभावक हैं उनके लिए 700 रुपये प्रति माह अनुदान भरण पोषण हेतु दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में जहां क्षतिज आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है, दिव्यांग छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों हेतु 3500 रुपये का अनुदान दिया जा रहा था, अभी तक दिव्यांगों से ब्याह करने के लिए 25,000 रुपये की धनराशि भी दी जा रही है। हम हर प्रकार से दिव्यांगजनों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। आज चूंकि मैं इस अवसर पर यहाँ पर आया हूँ तो मैं 2-3 घोषणाएँ यहाँ करना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए कि जो दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों उनके सेवा एजकों स्वतः रोजगार से रत दिव्यांग व्यक्तियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के सेवा एजक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली धनराशि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जाएगा। दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र उपकरण हेतु जो अभी तक कृत्रिम अंग अनुदान की राशि 3500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया जाएगा, उसको दोगुना किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन की तरह ही दिव्यांग पेंशन योजना को सरलीकृत करते हुए ऐसे समस्त दिव्यांगजन जो भी पेंशन हेतु पात्र होंगे उनके पुत्र पौत्र 20 वर्ष से भी अधिक आयु के भी हों तब भी उनको जो है यह पेंशन दी जाएगी। साथ में एक मैं और घोषणा आज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दिव्यांगजन वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, जो उत्तीर्ण पास उत्तीर्ण जो अंक होते हैं जिसमें उत्तीर्णता प्राप्त होती है उसमें 5% की कमी उनको छूट की जाएगी, 5% की छूट की जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए आप सबके साथ खड़ी है, और मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं अब भी कह रहा हूं कि आप सब लोग आगे बढ़िए और पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए, हर प्रकार से आगे बढ़िए। मन में किसी प्रकार की कोई भी छोटी बात नहीं लानी है, मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं लानी है। जो भी सामने है, कहते हैं जो भी सामने है यह भी सही और वह भी सही, ऐसा मानते हुए कहते हैं ना, क्या जीत में क्या हार में अटल जी ने कहा था एक बार, मुझे याद आता है, क्या जीत में क्या हार में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही और वह भी सही। इसके साथ ही आपसे मेरी एक और अपेक्षा है कि आप सदैव इसी प्रकार जैसे आज आप लोग इस दिवस के दिन सभी बड़े जोश में बड़े उमंग में और इतना सुंदर यहाँ पर संगीत इतना अच्छा गान आप सब लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसी और उत्साह और उमंग के साथ अपने स्वयं के विकास के प्रति अपने परिवार के प्रति और राज्य के प्रति प्रगति और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। पुनः मैं एक बार आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए और विशेष रूप से हमारे सभी कार्यक्रम आयोजकों का भी धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। परिजन धन्यवाद ज्ञापन के लिए आयुक्त दिव्यांगजन श्री